एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज मैं कुछ अपने घर में जो टुकड़े पड़े होते हैं जैसे शर्ट वगैरह के, तो उन टुकड़ों को मिक्स एंड मैच करके मैं आज बना रही हूँ अपनी बेबी गर्ल के लिए फ्रॉक। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये फ्रंट का पार्ट है, इसकी जो चोली की जो मतलब जो लंबाई है वो मैंने यहाँ पर रखी है 9 इंचेस इस तरीके से। उसके बाद ये जो विथ है ये मैंने अपने बेबी के चेस्ट के अकॉर्डिंग आपको भी रखना है। और ये 2 फोल्ड है। यहाँ से मैंने जो तीरा लिया है वो है 7 इंचेस और ये है 6 इंचेस आर्म होल। उसके बाद ये हो गया हमारे बैक पार्ट का और ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट भी मैंने सेम उसी तरीके से कट किया है और वही साइज़ रखना है। बस यहाँ पे जो नेक होता है उसके मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। तो यहाँ से भी मैंने सेम सारा रखा हुआ है और यहाँ पे मैंने जो नेक है वो मैंने रखा है 2.5 इंचेस, क्योंकि यहाँ पे मैं लगाऊंगी कॉलर और इसको मैंने 2.5 इंचेस करके और 1.5 इंच पर मैंने इसको कट कर लिया है। 2.5 इंचेस मैंने इसकी लंबाई ली है और 3 इंचेस मैंने इसकी चौड़ाई लेकर के इसको कट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लगाऊँगी इस तरीके से, मैं प्लेकेट बनाऊँगी आगे के पोर्शन में। तो ये 2-2 इंचेस की मैंने 2 पट्टियाँ इसी के लंबाई के हिसाब से कट करके रख ली हैं। तो ये हो गया। उसके बाद ये हो गया हमारे नीचे का पोर्शन यानी कि अम्ब्रेला कट। ये मेरे पास अलग से टुकड़ा पड़ा था लेकिन दोनों मिक्स हो रहे थे तो मैंने कहा चलो इसका लगाते हैं। तो मैं इसको बताती हूँ किस तरीके से मैंने इसको कट किया है। ये देखिए, जो ये मैंने ऊपर चोली कट करी ना, जितनी कमर हमने चोली में ली है उतनी ही हमें इसमें भी रखनी है। ये 4 फोल्ड कपड़ा है और बस अब मैं दिखाती हूँ मैंने इसको कट कैसे किया है। एक्चुअली मैंने कटिंग पहले से कर ली थी। तो ये देखिए, ये है हो गया 2 फोल्ड। अब मैंने इसको इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड कर लिया। ये कॉर्नर पकड़ के, कैसा भी कपड़ा हो आपको इसी तरीके से कट करना है। ये कॉर्नर पकड़ के और मैंने इसको पूरी इस तरीके से यहाँ तक मिला दिया। अब ये हो गया। अब ये देखिए, यहाँ पे अपने बच्चे की कमर की नाप लेनी है। 4 फोल्ड है तो उसी हिसाब से आपको नाप लेनी है। उसके बाद लंबाई में आपको जितना रखना है और उसके बाद निशान लगा के कट कर देना है। तो बस ये हो गया है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टिचिंग। तो ये फ्रंट पार्ट है, इसमें मैंने अपनी जो ये पट्टियाँ हैं उसको मैं एक तो रखूँगी बैक साइड पे और स्टिच करूँगी और उसके बाद एक रखूँगी फ्रंट साइड पे इस तरीके से और इसको मैं इस तरीके से यहाँ से स्टिच करूँगी। तो चलिए पहले कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको बैक साइड पर स्टिच किया और बैक साइड पे स्टिच करके फिर मैंने इसको फ्रंट साइड पे इस तरीके से फोल्ड किया है। और फोल्ड करते टाइम यहाँ पे ये ब्लैक कलर की एक पट्टी है, इसकी मैं पाइपिंग बनाऊंगी जो कि 1 इंच की मैंने कट करी है। और यहाँ पे देखिए, इस तरीके से इसको कपड़े को अंदर डाल के और मशीन चला देंगे तो ये हमारी बन जाएगी पाइपिंग। यहाँ पे इसी तरीके से हम इस साइड भी लगाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने 1 इंच का कपड़ा मैंने कट किया है, मतलब 1 इंच की विड्थ है तो मैंने उस हिसाब से कट कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से भी आप ऐसे करके और एक पाइपिंग बना सकते हो और फिर अटैच कर सकते हो। अगर आप वैसे नहीं चाहते तो आप डायरेक्ट इस तरीके से फोल्ड करके और ऐसे रख करके और डायरेक्ट इस पर मशीन चला दोगे तो ये पाइपिंग भी यहाँ पे लग करके रेडी हो जाएगी। तो दोनों साइड की जो पाइपिंग है वो एक साथ में लग जाएगी। बस इस तरीके से अब इस पर मशीन चला देंगे और बहुत ही आराम से, बहुत ही तरीके से मैं बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके सारे ही जवाब के सवाल भी दे दूँगी, सॉरी जवाब सवाल के जवाब भी दे दूँगी, उल्टा मैंने बोल दिया था। तो बस इस तरीके से ये पाइपिंग लग करके रेडी हो चुकी है। और ये जो मेरे पास टुकड़े बचे हुए थे बहुत ही छोटे छोटे से थे तो मैंने कहा चलो इसको यूज़ करते हैं। और इस तरीके से ये देखिए, हमारी ये बैक साइड हो गया और ये हमारा हो गया फ्रंट साइड जिसमें दोनों लग चुकी हैं पाइपिंग। और इस पाइपिंग से बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाएगा जो हमारी ये जो ड्रेस है ना, वो बहुत अच्छी लगेगी। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे इसको फ्रंट साइड पे रख करके अब मैं इसको बैक साइड पे फोल्ड कर दूँगी और फिर मैं इसको भी रेडी कर लूँगी। तो गाइज़, इस तरीके से फ्रंट वाला भी जो पोर्शन था वो दोनों को अटैच मतलब रेडी करने के बाद मैंने दोनों के जो मुड्ढे होते हैं उनको मैंने स्टिच कर लिया था बराबर से। और ये जो पीछे का पोर्शन था इसको करीब 1/2 इंच पे मैंने थोड़ा सा कट किया है क्योंकि स्टार्टिंग में हमने कट नहीं किया था। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है और जो भी एक्स्ट्रा होगा उसको आगे से हमें कट कर देना है। तो ये हमारा जो आगे का है वो रेडी हो गया। अब दोनों को इस तरीके से मिला करके और हम इसका जो नेक है ना उसका मेजर करेंगे कि कितना हमारा जो नेक है, क्योंकि हमें कॉलर बनाना है इसलिए। तो इसको डबल करके और इस तरीके से हम करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मेरा नेक है वो आ रहा था करीब 16 इंच का, तो डबल करने पे
तो अब यहाँ पे मैंने ये बुकरम ले लिया है, और बुकरम लेने के बाद ये देखिए इसकी लंबाई 17 इंच है और जो चौड़ाई है वो करीब 4 इंच है। और यहाँ पे मैंने ना 2.5 इंच पे निशान लगा के इस तरीके से मैंने इसको एक गोलाई दे दी थी, और उसके बाद सिंपल तरीके से मैंने इस तरीके से इसको कट कर दिया है। और हमें नाप भी लेना है कि हमारा पूरा यहाँ पर 16 इंच आ रहा है कि नहीं, और इस तरीके से हम इसको यहाँ पर कट कर लेंगे। तो बस ये देखिए हमारा बहुत ही सिंपल सा है, और ये देखिए हमारा जो कॉलर है वो बन करके रेडी हो चुका है। और इसके बाद हम इसको एक कपड़े पे इसको देखिए मैंने इसको प्रेस के द्वारा मैंने इसको चिपका दिया था इस तरीके से। इसको चिपकाने के बाद अब मैं इसको कटिंग कर दूँगी, जो ऊपर का जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है वो मैं यहाँ से कट कर दूँगी। तो चारों तरफ से मैंने जितना एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैंने कट कर दिया था। उसके बाद ये देखिए यहाँ से जो मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से यहाँ पे हमें एक सिलाई लगा लेनी है, और उसको मैंने कट भी कर दिया है। अब उसके बाद यहाँ पे हम छोटे छोटे से स्टिचेस लगा देंगे, कट लगा देंगे, ताकि हम इसको अच्छे तरीके से फोल्ड कर सकें। अगर आप चाहो तो इसको प्रेस की मदद से भी आप दबा दबा करके इस एरिया को इस तरीके से आप कवर कर सकते हो। तो अगर आप चाहो तो कट लगा के स्टिच लगा सकते हो, और अगर नहीं करना है तो फिर आप इस तरीके से इसको फोल्ड करके और प्रेस भी कर सकते हो। तो मैंने प्रेस की हेल्प से इस तरीके से इसको फोल्ड कर लिया है, ये देखिए। अब इसके बाद हमें यहाँ से एक स्टिच लगाना है यहाँ तक, और ये स्टिच मैंने क्यों लगाया मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ से मैंने इस पर स्टिचिंग कर दी है यहाँ तक, ये देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, कॉलर के जस्ट बगल से हमें लगाना है। और ये देखिए ये पीछे से हमें आराम से दिख रहा है कि कहाँ से हमने स्टिचिंग करी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरीके की मैंने एक पट्टी बना ली है। अब मैं क्या करूँगी, इस पट्टी को अपने जो भी ये जो हमने जहाँ से स्टिच किया है ना उसी के हिसाब से उसी पे यहाँ से कॉलर की स्टार्टिंग से इस तरीके से रख के और ये स्टिचिंग के ऊपर ही हमें इसको भी लगा देना है। तो इससे एक बहुत सुंदर सी पाइपिंग निकल करके आ जाएगी, जो कि हमारे कॉलर में बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी। तो इस तरीके से करना है, ये देखिए मैंने कर लिया है, उसी जो हमने स्टिचिंग करी थी ना धागा दिख रहा था उसी के ऊपर ऊपर मैंने इसको लगा लिया है। अब इसके बाद हम इसको यहाँ से ये देखिए जो मैं पोर्शन दिखा रही हूँ इसमें यहाँ से कट कर देंगे, और कट करने के बाद यहाँ पे भी मैं इसमें छोटे छोटे से स्टिचेस लगा लूँगी, कट लगा लूँगी। और उसके बाद यहाँ पे उसी के बराबर का एक कपड़ा मैंने लिया है इस तरीके से, उस पर हम अपने आगे वाले जो कॉलर हमने बनाया था उसको मैं इस तरीके से प्लेस कर दूँगी। ये देखिए अब यहाँ से मिलाते हुए और इन दोनों को हमें सिलाई कर देना है। तो चलिए कर लेते हैं, फिर मैं दिखाती हूँ आपको किस तरीके से मैंने करी है। इन दोनों को यहाँ से अच्छी तरीके से हमें मिलाते हुए और कर लेना है। नीचे भी हमें थोड़ी सी जगह छोड़नी है और साइड में भी छोड़नी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको स्टिच कर लिया था, और स्टिच करने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे मैंने कट कर दिया है। और कट करने के बाद यहाँ पे हम छोटे छोटे से नॉचेस लगा देंगे, और नॉचेस लगा के अपने कॉलर को हम राइट साइड पे फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए फोल्ड होने पे ये जो पाइपिंग थी वो कितनी अच्छी तरीके से निकल करके आ गई है हमारे कॉलर पे। यहाँ से एक आप बैठने वाली भी सिलाई लगा देना, ताकि ये पाइपिंग जो है वो अच्छी तरीके से बैठ जाएगी। तो ये देखिए मैंने लगा दी है, ऊपर से भी एक सिलाई लगा दी थी। तो ये कॉलर जो है मैंने बहुत आराम से आपको बताया है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो भी निकाल देंगे, और इस तरीके से रख कर के सेंटर निकालेंगे, और अपना जो ये जो फ्रंट का हमने पोर्शन कंप्लीट किया था उस पर मैं इसको बीचों बीच रखूँगी। और उसके बाद फटाफट से इस पर कॉलर को सेंटर में रखते हुए और दोनों साइड से हम पहले आप इधर से लगा दीजिए, फिर आप उधर से इस तरीके से भी लगा सकते हो, या फिर आप एक साइड से भी लगा सकते हो, आपको जैसे ठीक लगे आप उस तरीके से लगा देते हो। पहले मैंने एक साइड बीच पर रखा था, और फिर उसके बाद मैंने इसको पूरी अच्छी तरीके से आगे से रखते हुए पूरा कर दिया था।
तो ये तो हमारा कॉलर जो था वो भी एकदम परफेक्ट आया था और बन करके एकदम रेडी भी हो चुका है। पाइपिंग लगने की वजह से ये जो कॉलर है इसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा था, क्योंकि हमने ब्लैक कलर की जो पाइपिंग है वो अपनी जो प्लेकेट हैं उसमें भी दिए थे इस वजह से। तो ये देखिए, ये जो हमारा कॉलर है वो इस तरीके से आ गया और फ्रंट का पोर्शन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका और ये कुछ इस तरीके से आएगा। अब इसके बाद हम इसमें लगाएंगे अपनी स्लीव्स, जितने भी एक्स्ट्रा धागे वगैरह होते हैं उन्हें हमें साथ साथ में कट कर देना चाहिए। अब हम लगाएंगे अपनी स्लीव्स, तो स्लीव्स के मैंने कट कर लिया था स्लीव्स, और स्लीव्स मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमें अटैच करनी है। स्लीव्स जो आप देख रहे हो ना, इसमें मैं लगा रही हूँ ये जो ब्लैक कलर का जो बॉर्डर मैंने हर जगह दिया है, तो उसको मैं क्या करूँगी, स्लीव्स में आगे की साइड को इस तरीके से मैंने अटैच कर लिया है, बॉर्डर दोनों ही स्लीव्स पे मैंने लगा लिया है। और ये बॉर्डर लगने से इस फ्रॉक का जो लुक है वो बहुत ज़्यादा सुंदर निकल करके आया है, तो इसलिए ये भी कपड़ा मेरे पास अलग से एक टुकड़ा ही पड़ा था जिसको मैंने इस तरीके से यूज़ कर लिया था इस पर। तो ये देखिए, यहाँ पर दोनों ही स्लीव्स पर मैंने ये जो बॉर्डर था उसको मैंने अटैच कर लिया है, और ये जो स्लीव्स है ना बहुत सुंदर से निकल करके आएंगी। और ये मैंने सिर्फ अंदाजे से ही काट ली थी जो स्लीव्स हैं, इसका मैं सेंटर निकालूंगी, और सेंटर निकालने के बाद इस तरीके से हमें अपने जो आर्म होल है उस पर रखना है और यहाँ से लगाते जाएंगे। और ये स्लीव्स बड़ी होने की वजह से मैं डालूंगी थोड़ी सी यहाँ पर बीच में प्लेट्स भी डालती जाऊँगी, और ये जो प्लेट्स हैं ना बहुत सुंदर लगेंगी। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पे प्लेट्स वगैरह भी डाली हैं छोटी छोटी सी। और प्लेट्स डालने के बाद जब ये एक तरफ की पूरी अच्छे से स्टिच हो जाएगी, ये देखिए प्लेट्स भी डाली हैं, और ये जो पफ स्लीव्स होती है ना कुछ उस तरीके का लुक आता है इसका, बट देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर और बच्चों की फ़्रॉकों पर तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो इस तरीके से हो गया है। अब ये देखिए, ये देखिए कितनी सुंदर सी स्लीव्स बन के आई है, दोनों साइड अटैच कर ली है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए जो स्लीव्स है ना इसको जब हम खोलेंगे तो ये जो सिलाई है इसको भी हम कवर करेंगे, क्योंकि ये नीचे से दिखाई देगी जब बच्चा पहनेगा, तो जो भी एक्स्ट्रा है उसको निकालने के बाद यहाँ पे मैंने एक पट्टी कट कर ली है। और इस पट्टी को मैं क्या करूँगी, ये देखिए एक मैंने एक सीधी सी पट्टी और ये ऑरेब पट्टी है जो कट करी है, आप सीधी भी कट कर सकते हो बट ऑरेब ज़्यादा ठीक लगेगी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ये जो हमारी जो सिलाई थी ना उसको कवर करने के लिए मैंने इस तरीके से ये जो पट्टी है उसको मैंने सिलाई पे रखा है, और उसी सिलाई पे रखते हुए मैं चारों तरफ घुमाते हुए बढ़िया तरीके से इसको वहाँ पर अटैच कर दूँगी। और उसके बाद क्या करूँगी, फोल्ड करके ये देखिए ये मैंने कर ली है और ये दूसरी स्लीव्स में काम आ जाएगा। अब इस तरीके से फोल्ड करके मैं इसको सिलाई कर दूंगी, तो जितनी भी हमारी सिलाई है स्लीव्स की वो नहीं दिखेगी, और जब बच्चा पहनेगा ना तो बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं, मतलब ख़राब नहीं लगेगा और दिखने में बहुत सुंदर लगेगा। तो बस इस तरीके से हम दोनों ही स्लीव्स को रेडी कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल भी सिलाई नहीं दिख रही है, दोनों स्लीव्स को रेडी करने के बाद अब ये देखिए, ये जो हमारा प्लेकेट है तो मैं इसको सिर्फ उतना ही ओपन रखूँगी गले से जितना कि बच्चे के गले में जाने में इजी हो जाए, बाकी मैं यहाँ से स्टिच मार रही हूँ। इस तरीके से मैंने इसको स्टिच कर लिया है, आप चाहो तो पूरा खोल के रख सकते हो लेकिन मुझे नहीं खोलना था, मैं सिर्फ उतना खोलूँगी जितना कि बच्चे के गले में ईजिली चला जाए, वहाँ पर मैं हुक लगा दूँगी या फिर बटन लगा दूँगी। अब ये देखिए, इस तरीके से पकड़ करके और हम एक साइड में इसमें स्टिच लगा देंगे अपने बच्चे के हिसाब से, कि कितना हमें चाहिए अपने बच्चे का जो फिटिंग है उस हिसाब से मैं यहाँ पे लगा दूँगी, एक साइड पे स्टिच करेंगे। उसके बाद जो नीचे का है उसमें मैं इस तरीके से जो ये पट्टी है उसको मैंने कट कर लिया है अम्ब्रेला कट में, मैंने ना तिरछी पट्टी काट करके और जोड़ लिया था। उसके बाद मैं पूरे ही जो ये घेर है ना नीचे का, मतलब जो अम्ब्रेला कट हम लोगों ने स्कर्ट जो कट करी थी नीचे का, उस पोर्शन पे मैं इस तरीके से पूरे में ही ये लगा दूंगी। इससे क्या होगा, इस फ्रॉक का लुक बहुत ज़्यादा निखर के अच्छा आएगा। तो आप कई तरीके से लगा सकते हो, अगर आप चाहो तो थोड़ा सा नीचे का कपड़ा दिखाते हुए पाइपिंग लगा सकते हो, और अगर आप चाहो तो सिर्फ आप ये काली पट्टी ही लगा सकते हो। तो बस मैंने इस तरीके से इसको अटैच कर दिया था, दोनों ही पल्लों पर हमें इस तरीके से अटैच कर देना है।
तो ये देखिए यहाँ पे पूरा ही पाइपिंग जो है वो मैंने लगा करके रेडी कर लिया था, और ऊपर नीचे का बिल्कुल, और थोड़ा चौड़ा रखेंगे तो अच्छा लगेगा। तो बस यहाँ पे इसको रेडी कर लेते हैं, और उसके बाद अपने जो ऊपर का जो पोर्शन था यानी कि चोली, उससे हम कर लेंगे अटैच इसको। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से अटैच कर लिया था, और दोनों ही साइड से मैंने चोली के साथ में भी अटैच कर लिया था। तो आप दोनों, मतलब जो ये फ्रॉक का नीचे का है, आप कैसे भी अटैच कर सकते हो। आप एक साइड से चोली सिल करके और फिर घेर अटैच कर सकते हो, या तो फिर आप अलग अलग तरीके से, मतलब दो आगे का आगे के साथ में, पीछे का पीछे के साथ में, इस तरह से अटैच कर सकते हो। बीच में मेरे पास ये रिबन पड़ा था ब्लैक कलर का, क्योंकि ये मेरे पास जो ब्लैक कलर की पट्टी थी ना वो ख़त्म हो चुकी थी, इस वजह से मैंने ये ब्लैक कलर का रिबन है उसको मैंने बीच में जो कमर का हिस्सा है उस पर मैंने अटैच कर दिया है। तो ये दिखने में भी और सुंदर लग रहा था। तो बस यहाँ पे देखिए फाइनल जो लुक है वो मैं बहुत जल्दी आपको दिखाती हूँ। उसके बाद बस दोनों साइड से हमें पकड़ना है, और फिटिंग के हिसाब से अपने बच्चे की, उस हिसाब से बस हमें यहाँ पे पूरा एक लंबा सा स्टिच लगा देना है, सीधा सीधा सा। आपके बच्चे को देख लीजिएगा कैसे आपको फिटिंग रखनी है, और थोड़ा सा आप मार्जिन भी लेकर के सिल सकते हो इसको, ताकि आगे अगर बच्चा हेल्दी होता है तो उस हिसाब से आप ढीला कर सको उसको। तो बस मैंने उस तरीके से कर दिया था, और जो फाइनल लुक है वो दिखाते हैं अपनी फ्रॉक का। बहुत ज़्यादा सुंदर बनी है, और होप आप सबको अच्छी लगी होगी। तो ये फ्रॉक बन के रेडी हो चुकी है। इसके बाद ये जो ब्लैक रिबन है उसको आप कई तरीके से इसमें फ्लावर बना के अटैच कर सकते हो, और मैंने क्या किया था वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने जो ये जो प्लेकेट बनाया है उस पर मैंने इस तरीके से बटन लगाई है। अब मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे बन करके